तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई का अड्डा तेज पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी लेटेस्ट न्यू टुडे वेटिंग लिस्ट टीजीटी पीजीटी वीडियो एग्जाम न्यूज टू अपडेट नया शिक्षा आयोग का गठन सी टेट 2023 एग्जाम न्यूज जाने सब कुछ इस वीडियो में शुरू से लेकर 26-27 जून व 2 जुलाई की परीक्षा हुई स्थगित। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की 26 और 27 जून एवं 2 जुलाई को बीएड एलएलबी और बीएलएलबी के प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर यह निर्णय छात्रों की मांग पर लिया गया क्योंकि 26 और 27 को वीडीओ एवं 2 जुलाई को एपीएफओ की परीक्षा प्रस्तावित है। दोनों परीक्षाएं टकराने से छात्रों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना। 26 एवं 27 को वीडियो परीक्षा प्रस्तावित है, 2 जुलाई को ईपीएफओ भर्ती की परीक्षा। प्रदेश की 2 प्रमुख भर्ती संस्थानों के पास कोई काम नहीं है, महीनों से सब कुछ ठप है। यूपीएससी व चयन बोर्ड में कोरम पूरा नहीं, प्रतियोगियों ने उठाए सवाल, बिना काम मिल रहा है। वे सेवा चयन बोर्ड के पास महीनों से एक काम नहीं है। इन दोनों संस्थाओं के 75 से अधिक कर्मचारियों को बिना काम के वेतन दिया जा रहा है। इनमें कई अस्थायी कर्मचारी हैं तो कई अस्थायी कर्मचारी हैं। सार्वजनिक सूचना केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सी टेट के 17वें संस्करण के पंजीकरण आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अब परीक्षा ऑफलाइन मोड पर यानी कि पेन पेपर ओएमआर आधारित होगी। परीक्षा 20 अगस्त रविवार को पूरे भारत में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए निर्दिष्ट शहर में आयोजित की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को प्यारे ब्याह तो टीजीटी और पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई के पहले वीक से शुरू होने के आश्वासन मिले हैं और एग्जाम डेट की घोषणा नए आयोग के बनने के बाद। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।